हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव माय कुकिंग एक्सपीरियंस। आज हम बनाएंगे डीप फ्राइड क्रिस्पी ओकरा या कुरकुरी भिंडी। इसके लिए हमने ये भिंडी ली है, 250 ग्राम भिंडी ली है ये हमने। इनको पहले अच्छे से आपको धोना है, धोकर और कपड़े से पोंछ कर इन्हें बिल्कुल सुखा लेना है और फिर इन्हें 4 पीसेस में काटना है। ये देखिए भिंडी इस तरीके से ली और इसके दोनों साइड से आपको काट देना है और फिर इसे 4 पीसेस में डिवाइड करना है और इसके सीड्स निकाल देने हैं। जितने पॉसिबल हो उतने सीड्स आपको इसके निकाल देने हैं। इस तरीके से देखिए ये करना है और इसके सीड्स निकालने हैं। ये मैंने पहले से ही सब काट के रखी हुई है। और ये एक नींबू का रस है लेंगे हम, जो बाद में इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे बनने के बाद। और ये है आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच देगी मिर्च, लेस स्पाइसी वाली होती है ये, और 1 टेबलस्पून बेसन और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है हमने। अब हम सबसे पहले सारे मसाले जो है लगाकर भिंडी पे रख देंगे। ये देखिए इस बोल में हमने भिंडी रखी है, बिल्कुल जो है सूखी हुई भिंडी है ये, कोई इसमें मॉइस्चर नहीं है। लेकिन जब हम मसाले थोड़े लगा के रखेंगे तो थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा नमक की वजह से। ये हम सारे मसाले इसमें डाल रहे हैं, गरम मसाला। ये बहुत ही अच्छी डिश बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है और ये बच्चों को पसंद भी बहुत आएगी। इसे आप स्नैक में भी सर्व कर सकते हैं या साइड डिश के में सर्व कर सकते हैं या एपिटाइजर के रूप में सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे सर्व कर सकते हैं। मेन कोर्स डिश के साथ भी साइड डिश की तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं इसको। अब हम इसे मिक्स कर देंगे, सारे मसाले हम डाल दिए हैं और मिक्स कर देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स के लिए ढक कर रख देंगे तो इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें दोनों फ्लावर जो है वो मिलाएंगे। ये देखिए 10-15 मिनट के बाद देखिए इसमें काफ़ी मॉइस्चर आ गया है, कितनी गीली हो गई है ये नमक की वजह से। अब हम इसमें ये दोनों अपने बेसन और कॉर्नफ्लावर मिलाकर इसके तैयार करेंगे। भिंडी जो है वेट लॉस में भी बहुत काम करती है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है ये और फाइबरस भी बहुत होती है, इसलिए हमारे स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, पेट के लिए, और ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। इसलिए इसे जो है खाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हमने इसमें सब बेसन और डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ये हमने सारा बेसन इसमें डाल दिया था। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप कीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हमने एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया है और हम इसे अब डीप फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए कढ़ाई में मैं तेल गरम कर दिया है। तेल को एक बार आप गरम कर लीजिए, तेज गरम करके, और फिर उसको मीडियम पे रखिए। इस तरीके से आप एक एक करके अलग अलग भिंडियों को डालना, एक साथ नहीं डालना क्योंकि चिपक जाएंगी सारी, नहीं तो अलग अलग करके आप सारी भिंडियों को डाल दीजिए इस तरीके से। भिंडी को फ्राई करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसे बहुत ज़्यादा तेज ऑयल हो, गरम हो, उस पर नहीं करना है फ्राई, ये जल जाएंगी और कड़वी हो जाएंगी। और अगर इसे आपने कम उस पर तेज कम आंच पे गरम किया तो ये क्रिस्पी नहीं होंगी, इसलिए इसका ये पार्ट जो है सबसे ट्रिकी होता है। इसे बहुत ध्यान से फ्राई कीजिएगा। ये देखिए अब हमारी भिंडी ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक किचन टॉवल ले लेंगे उस पर निकाल लेंगे। इसे ध्यान रखना है आपको किस वक्त आपको उसको निकालना है, किचन टॉवल पर निकाल लेते हैं और जल्दी से निकालिए, नहीं तो जो बाकी की भिंडी बची है तेल में वो कड़वी हो जाएंगी, जल जाएंगी और कड़वी हो जाएंगी। बस इसका यही पार्ट सबसे ट्रिकी होता है और इसे बनाना बहुत सिंपल है। ये देखिए हमारी भिंडी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई है। भिंडी फाइबरस होती है इसलिए हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, ये वेट लॉस में भी बहुत काम करती है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। इसलिए इसे अपने मील से आप जरूर शामिल कीजिए।
बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ऐसे साइड डिश सर्व कीजिए, मेन कोर्स के साथ सर्व कीजिए, ऐसे एपिटाइजर सर्व कीजिए, स्नैक में सर्व कीजिए, जैसे भी आप चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। आप वापस से बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए और इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज़ माई इंस्पिरेशन। आप जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।